कर तूने कहा था हाँ प्यार में संसार है, हम जो हारे तुम जो हारे, बाह ही बाह में। और क्या सुन ले क्या कहती है पायल, ना जा रे ना जा, रुको कोई ओ बसंत। कृष्णा, तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। भाई आप उठ गए हैं फिर दोबारा मज्जा वाले टाइम। मज्जा का टाइम होता है हाँ 12 बजे उठना, आप उठे हैं। मम्मी 4 बजे उठा के भज चुकी है। मम्मी कह रहे हैं इन्हें नहीं उठना, इन नकम्मा मुंडा है मेरा, इन्हें जवा नहीं उठना। लेकिन भाई हम सोए थे रात को लेट, तो इसलिए सुबह ऑब्वियसली बात है लेट ही उठते हैं। तो अभी चलते हैं बड़ी मम्मी के पास। बड़ी मम्मी को थोड़ा सा तंग करते हैं। बड़ी मम्मी कह रहे चाय बनाए, चाय बनाने। मम्मी की तबीयत हो रही है थोड़ी खराब, तो आज हम बनाएंगे चाय। जिन्हें आज तक नहीं बनाई हूं बनाऊंगा चाय। मेरे चलो चल मेरे नाल रहियो, चलो चाय बनाते हैं। आशीर्वाद दो। नहीं आशीर्वाद दियो, मैं थोड़े लिए चाय बना रहा। हाँ मैं लिए तो अपने लिए चाय बनाओ चाहे मिल दे। मैं पहली बार बना देना चाहे। तब पो खाना पर तो बना सकते हैं। पो पकता ना माता मत्था देख रही चूड़ी नहीं होगी। बढ़िया। वो तो मत्था तो कहना खाला जी दबा। महापापी। मैं महापापी हूँ। नहीं मैं महापापी हूँ माता कहनी। मैं महापापी हूँ। पप्पी ला ली जाओगी थोड़ी हूँ लेटे लेटे फिर ना कहियो पप्पी ला ली। तू आए घर चांदी पप्पी बना के इतने पावा। चलो बड़ी मी थोड़ी ली बना के आना चाह। बढ़िया जी सोनी इन्नी जी बना इन्नी की बना के लेके आने जी पता नहीं मैं बहुत टाइम बाद बनानी है। चलो 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 बनाइए चाह। चाह बनाने पहला ठंड बहुत है बाहर जानू जमा जी नहीं करता। जी करता सी मैं जाके साइकिल चला के आवां लेकिन जमा भी जी नहीं करता। माड़ी जी साइकिल चला ला मैं ना ठंड बहुत है यार उत्तों लगती है थले सानू। क्यों चको फिर क्यों आए आए साड़ी पट्टियां। भाई बहुत खुशी होती है जब किचन में आते ही पिन्निया मतलब लड्डू बने हुए चूरमे के मिल जाए। खा लूंगा तीनों खा जाऊंगा मैं देखना। और सब्जी पड़ी है पहले मैं ये खा लूं लेकिन पहले चाय बना तू। चाय बना देगी मैं पहला पानी भरवा है ना। दिखा दो मैंने दिखा दो दो तीन दिन तो ना हमारी जान मुट्ठी में बनी रही है। अब जाके थोड़ा ठीक हुई है। अब अच्छा लग रहा है कि ठीक है यार। अब अच्छा लग रहा है सच में कि ठीक है। वरना अभी आपको पता है आपके भाई का जन्मदिन आने वाला है तो मैंने अपना जन्मदिन बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया था। लेकिन जैसे ही पता लगा कि ये थोड़ा ठीक हो गई है तो थोड़ी सी तैयारियां स्टार्ट की हैं कि नहीं यार अब होना चाहिए। ओह फिलहाल चाह तो बना दिए। बीच में कॉल आ गया था ना मैं चला गया था। भाई कुछ भी बोलो चाय में मेरी में रूप आखिर रूप देखता सही तू ले दस देख क्यों रूप ओ साफ कर ला रूप आया वे नहीं आता देख चक बरे हाल है। अब बड़ा मेरा छोटा बड़ी मम्मी का क्योंकि बड़ी मम्मी ने सवेर तो चाय पी रखी है दो को बार उन्हें कोर पी लेनी। बड़ी मम्मी की पत्ती ना अलग है तो अलग चाय बनती है थोड़ी आंदी है कि नहीं बाहर बाहर नहीं आओगी डरी है नैनू बाहर नहीं आना हो। वैसे भाई मेरे को पता नहीं है दूध बाहर आता है चाय भी आती है बाहर पता नहीं है चाय भी आ जाती है बाहर की बार तो अपनी नहीं आ रही ले देख बरे अनपढ़ा दी निशानी खाली खड़ जो मैं पढ़िया लिखे मंगू लेके आना एक मिनट रुक जो यह है पढ़िया लिखा दी निशानी आ लो चको बड़े मी पी के दसो कह जी है बड़ी मैं हजे माला करन लगे हुए कहते खड़ जा पता नहीं गाला ना कड़न मैं पी के देख ला पहला पता नहीं भाई मेरे को तो टेस्ट पता नहीं लगता। और हाँ यार मेरा हिंदी इंग्लिश की तो नाम दूर दूर तक नहीं इंग्लिश हिंदी पंजाबी ऐसी चलते हैं भाई मेरे ब्लॉग कभी पंजाबी कभी हिंदी ठीक है ना बड़ी मम्मी कभी पंजाबी कभी हिंदी इदा ही चलते ब्लॉग। स्वाद देख लो कह जा पूरी काढ़ी है चार रिज रिज कमली हुई है बड़ी बड़ी ध्यान देख रहे बड़ी मैं चार रिज रिज कमली कराती रिज रिज रजाई सी रजाई क्या है जी पी के देखो बत्ती से हटते मारी बड़ी मेरे
ਬੜੀ ਪੀ ਕੇ ਆ ਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਅਭੀ ਤੋ ਆ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗਾਲ ਕੇ ਰੁਕੀ ਰੁਕੀ ਜਲਦੇ ਭੋਗ ਲੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ भाई मेरी जो पड़नानी जो मेरी पड़नानी थी ना उनकी एज थी 108 साल अभी 108 साल हो गए उनकी डेथ हुई है उनके ब्लू टीथ आने शुरू हो गए थे दोबारा ब्लू ब्लू कलर के ब्लैक बाल आने शुरू हो गए थे सच्ची बात है ये और मेरी नानी भी मेरे को लगता है 150 साल तक ही नहीं गई पर अब तो एक दिन ही छोटी है बड़ी मेरी सुबह लाओ वो तो पैसा था रात को भोग लगाओ उम्र बढ़ती है अच्छा जी ठीक है मैं बड़ी मम्मी मैं ज्यादातर ना दारू वाले बंदे देखे है पैग च पांदे है उंगल मारदे है बाहर नू ओ दूजे जेड़ा नू मारदे है शैतान नू दंद को लगदे है जेड़ा फिरे बाहर ओ मारदे उंगल पाके बाहर नू मारदे है ओ केड़ा भोग लांदे यार ठीक लगी यार मतलब ले मास्टर शेफ बन सकता मैं बड़े में पी के देखो कह रही है बड़े में गाना गा रही तूने कहा था प्यार में संसार है हम जो हारे तुम जो हारे बाही बाह में और सुन ले क्या कहती है पायल ना जा रे ना जा रुको कोई ओ बसंती बस भाई क्या बात है बड़ी बिरे रोड का लाई हुई है बड़ी मेरा चलो भाई अपना खाना पीना हो गया अब मैं जाता हूँ किचन में रखता हूँ और चलता हूँ जय गौ माता ये देखो गौ माता जय बाबा अमरनाथ बर्फानी भूखे कौन प्यासे को पानी ये देखो गौ माता में सारे के सारे देवी देवता विराजमान हैं जितने भी हैं और एक चीज़ आपने ध्यान दी जो लक्ष्मी माता पीछे क्यों है लक्ष्मी माता का आवाज गौ माता के गोबर में अभी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ इसकी शॉर्टकट में बताता हूँ पहले बर्तन रखता हूँ मैं चलो मैं बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या युधिष्ठिर जी ने बोला कि मतलब ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जब लक्ष्मी जी को गौ माता के शरीर में वास चाहिए था तो उन्हें उनके गोबर में वास मिला तो ये कैसा है ये कैसे मतलब एक अचंभे की बात है ये कैसे हुआ तो भीष्म जी ने उनको ये स्टोरी बताई जब लास्ट टाइम वो छैया पे लेटे हुए थे तो उन्होंने स्टोरी बताई थी तो एक बार जब लक्ष्मी माता गौ माता के पास गई तो काफ़ी सारी गौ माता बैठी हुई थी तो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा ऐश्वर्य था सोने के आभूषण डाले हुए थे तो सारी गौ माता उठ के खड़ी हुई उन्होंने प्रणाम किया कि आप बताइए हे देवी आप कौन हैं आप यहाँ पे क्या करने आई हैं तो उन्होंने लक्ष्मी माता ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं वो हूँ जो जहाँ पे भी जाऊँ पहले आज तक मैं असुरों के पास रही हूँ तो उनका धनवान की है अब मैं किसी के पास भी जाऊंगी तो वो धनवान हो जाता है व्यक्ति अगर किसी के पास मैं रहती हूँ लक्ष्मी माता ने ये बोला था उन्हें तो गौ माता ने बोला कि आप हमारे पास क्या करने आए हैं तो लक्ष्मी जी ने बोला कि मैंने सुना है कि सारे देवी देवता आपके शरीर में वास करते हैं तो मेरी इच्छा भी है कि मैं भी आपके शरीर में वास करूं तो अपना परिचय देते हुए लक्ष्मी देवी ये भी बोली कि इस जगत में धर्म अर्थ काम कुछ भी पूरा नहीं होता जब तक मेरा वास ना हो उस जगह में मतलब मैं लक्ष्मी जी ना आए तब तक वो काम पूरा नहीं होता मैं भी आपके अंदर आना चाहती हूँ जैसे सारे देवी देवता हैं ऐसे मैं भी शाश्वत काल तक मुझे अपने अंदर वास दीजिए लक्ष्मी माता ने गौ माता से कहा और जितनी गौ माता थी उन्होंने सबने प्रणाम किया उन्होंने नतमस्तक हुए उन्होंने बोला कि देखिए चाहे कुछ भी है लेकिन फिर भी हम आपको स्थान नहीं दे सकते क्योंकि कि लक्ष्मी बहुत अस्थिर और चंचल होती ये गौ माता ने बोला उनको कि मैं हम स्थान नहीं दे सकते इसी कारण से और लक्ष्मी माता ये सुनकर ना बहुत हताश हो गई निराश हो गई तो उन्होंने बोला कि आज तक ऐसा हुआ नहीं किसी ने मुझे नकारा हो किसी ने ना बोली हो तो गौ माता ऐसे क्यों बोल रही है कह रहे कि जहां मैं जाती हूं वहां तो ऐश्वर्य से भर देती हूं सबको आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ने मेरे को मना किया हो सारे बुलाते हैं मेरे को कि अपने पास आओ मतलब सारे चाहते हैं कि मैं उनके पास हूँ मैं तो एक पवित्र स्त्री हूँ मैं हमेशा नारायण की सेवा में रहती हूँ तत्पर हमेशा नारायण की सेवा में रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा वास आपके शरीर में हो और आप मना कर रही हैं तो लक्ष्मी माता थोड़ी सी क्रोधित भी हो रही थी गुस्सा भी आ रहा था उन्हें वो बोल रही थी कि अगर इजीली कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती तो फिर लक्ष्मी माता ने थोड़ा शांत होकर बोला कि देखो आप तो नम्रता की मूर्ति स्वरूप है गौ माता की सेवा करके हर कोई पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपके इस सुंदर शरीर में वास करूं तो सभी गौ माता ने इस पे चर्चा की और फिर उन्हें बोला कि देखिए आपका स्वभाव अस्थिर और चंचल है हम आपको नहीं रख सकते आप प्लीज़ इस पे और तर्क वितर्क ना करें चले जाएं यहां से तो फिर लक्ष्मी जी उनके चरणों में गिर गई नतमस्तक हो गई उन्होंने बोला कि देखिए अगर आप मुझे ठुकराएंगे तो आने वाली सारी पीढ़ियां मुझे ठुकरा देंगी अगर आपने मुझे ठुकरा दिया पूरी सृष्टि मुझ पर हंसेगी मेरा मजाक उड़ाएगी कि सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे सभी मुझ पर हंसेंगे सभी बोलेंगे धिक्कार है जिसको गौ माता ने ठुकरा दिया उसको कौन रखेगा अपने पास तो प्लीज़ मुझे अपने पास स्वीकार कीजिए मुझे
अपने पास बस थोड़ी सी शरण दीजिए, क्योंकि सृष्टि का जो सबसे पवित्र आश्रय है, जो स्थान है, वो गौ माता का माना गया है। तो लक्ष्मी जी ने उनको बताया, बहुत समझाने की कोशिश की गौ माता को। तो इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद गौ माता जी मान गई। गौ माता जी ने बोला कि चलो ठीक है, अगर आप इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हैं तो आप ऐसा कीजिए, आप मेरे गोबर में रह सकती हैं। तो गोबर भी तो बहुत पूजनीय है, तो गोबर में रह सकती हैं। तो ये जो स्टोरी थी, ये भीष्म जी युधिष्ठिर जी को बता रहे थे कि ऐसे उनका वास हुआ, और गौ माता जी के गौमूत्र में गंगा जी वास करती हैं। इसलिए आपने देखा होगा, कभी भी कभी हवन होना होता है या कभी भी कोई ऐसा पवित्र काम होना होता है, तो गौमूत्र और गोबर से लेप किया जाता है, और गौमूत्र से उस जगह को पवित्र किया जाता है। तो इसलिए बोलता हूँ मैं भी, भाई गौ की सेवा क्या करूँ, मैं भी नहीं गया यार। लास्ट टाइम गया था, उधर कमी थोड़ी सेवा कर पाई, इसलिए भाई मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जितनी हो सकती है गौ माता की सेवा करूँ। आपको भी बस कोशिश ये करता हूँ, ये नहीं कि मैं दिखावा कर रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ उधर, इस करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि गौ माता की सेवा करूँ। नहीं भाई, हमारे हिंदू कल्चर में गौ माता को सर्वश्रेष्ठ एक पदवी दे रखी है, तो भाई हम तो गौ माता की सेवा कर सकते हैं, तो कीजिए। जो जो भी है, जिसके आसपास गौशाला है, तो प्लीज़ सेवा कीजिए गौ माता की। अब मैं भी जाऊंगा एक दो दिन में नेक्स्ट। तो बस ये स्टोरी थी गौ माता जी की, ठीक है। तो चलो मैं भी अपना एक दो काम कर लेता हूँ। मैंने कहा कि ये भी बताना आपको ज़रूरी है, तो बता दूँ मैं फटाफट। एकदम ध्यान पड़ा मेरा गौ माता पे, मैंने कहा शायद किसी को नहीं पता हो या पता हो, तो बता दिया मैंने। तो भाई मैं हो गया हूँ रेडी। बीच में मैंने मूवी देखनी स्टार्ट की थी, टाइगर 3, वो अभी तक मैंने देखी नहीं, स्टार्ट की थी। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, टाइम हो गया। अब भाई अभी बोल गई है बत्ती, पेट्रोल की, पहले पेट्रोल डलवाता हूँ, उसके बाद घोड़िया मठ पे चलते हैं दर्शन करने के लिए। चंडीगढ़ में ना लाइट की वजह से सेफ्टी भी बहुत है यार। हाँ, ऑटो कट है, पेट्रोल है। हाँ भाई, कई बार होता है ना यार कि पता नहीं लगता बंदा, कई बार डीजल की कुप्पी से चका के पेट्रोल में लगा देता है, नींदों में होता है, पता नहीं लगता कई बार। तो होता कुछ नहीं है, बस इतना ही होता है कि बंदा फिर गाड़ी खड़ानी पड़ जाती है। हो गया भाई फुल। तो चलो निकलते हैं, हवा वाले बैठे हैं, अभी टायर में कर लेते हैं भाई फुल, यहाँ लगाते हैं। वहाँ पे दो लगी हुई थी, यहाँ पे अपना नंबर आ जाएगा दूसरा। थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, पता नहीं दर्शन ऊपर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, देखता हूँ भाई। अभी भी हुआ शायद, लेट हो गया मैं। चलो अभी जो काम करना है वो कर लेता हूँ। यहाँ पे तो दर्शन हुए नहीं अभी, अभी अपने लेनी है दृष्टि, वो ज़रूरी है, और थोड़े से लेके जाने हैं फल घर के लिए। यहाँ पे खड़े होते हैं रेडी वाले, फ्रूट ले लिए, एप्पल रह गया, एप्पल ले लेता हूँ, थे नहीं मिले नहीं यहाँ पे, पहले दृष्टि लेता हूँ, दुकान बंद हो जाएगी यार, टाइम बहुत हो गया ना। ठीक है अंकल जी, दृष्टि दृष्टि देना है। शुक्रिया, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन यूज़ करता हूँ, उसके बाद मैं थ्रो कर देता हूँ। कितने हो गए सर? ये थैंक यू, ले ली भाई। निकलते हैं अब, मात्र 20 रुपये की आती है, ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, मतलब ज़्यादा दिन यूज़ नहीं करता, नहीं ले लेता 10-15 दिन के बाद। तो भाई चश्मे लग जाएंगे, चश्मे जैसे मेरे को फील होता है ना थोड़ा सा ऐसे धुंधला सा, साथ के साथ डाल लेता हूँ। ओ भाई के पास भी एप्पल नहीं है, सेब नहीं है भाई। ओहो चलो भाई, ज़्यादा तो नहीं, जो मिल गया ना ले लिया मैंने सामान। लो भाई, आज की मजदूरी करके तुम्हारा भाई घर लौट गया। देखो सामान कितना सारा लेके आया, राशन भी लेके आया कुछ, और उसके बाद मैं पान के शॉप पे भी चला गया था, जहाँ से पान खाता हूँ, बड़ी मम्मी के लिए पान लेके आया था, खुद भी खा लिया, एक पान लेके भी आया हूँ साथ में रखा हुआ है, तो देता हूँ। हवा खोलना यार। तो चलो अभी अंदर बैठता हूँ, रेटिंग के लिए बैठते हैं यार, टाइम भी बहुत हो चुके, बाहर ठंड बहुत है यार, सच में बर्फ पड़ चुकी है ऊपर, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पड़ती बर्फ। मम्मी और तो बस वही देख रहे रहते हैं, अयोध्या में कौन कौन आ रहा है कुदरती। हाँ। बड़ी मम्मी आलू छोटे ले, क्या है? देखो खोल के, क्या है? खोल के देखो खाना है। भाई मेरे घर पे इन दिनों कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ एक ही चीज चल रही है, अयोध्या। बस सुबह से शाम तक अयोध्या ही चलता है, फोन पे टीवी पे सिर्फ अयोध्या। एक मिनट तो पहले मैंने बुला लेने का साहिब देख आके। हाँ जी की देखा, दोनों दया लग गए, देख ला हाथ जोड़ता, मेरे श्रद्धा है, इन्हें भी श्रद्धा करते हैं। चलो भाई ठीक है, मैं व्लॉग आज का यहीं पे समाप्त करता हूँ, अपने तो चलता ही रहेगा ये, बस एडिटिंग के लिए बैठता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन के लिए करते रहना, तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा दोस्तों, बस करते रहना फटाफट, फट्टे चक दो।